आज तीसरी बार बच्चा देगी, एक महीना और 10 दिन का समय बाकी है। अच्छा, और ये नहीं झूठ बोलने का कि हमारे घर के तैयार की हुए नहीं, हमने पिछले साल 2.5 लाख रुपए की खरीदी थी। अच्छा। और इसके लगभग जेन्युइन जो पैसे हैं वो 16 लाख रुपए लगे थे। 28 किलो 66 ग्राम लाइव में रिकॉर्ड है। अच्छा। 30 किलो दूध अपने आंखों के सामने दे रखा है उनका। मेरे को ये भी पता है किस आदमी ने किस डॉक्टर को कई गुट्ठी सोने के कड़े घी पहुँचाया है, लेकिन आज यहाँ सिफारिश फेल होगी सबकी। सभी किसान भाई पशुपालक फर्स्ट नंबर पे नहीं है और इस पैसे बारे में पूरी जानकारी देंगे, आपको पूरी जानकारी देंगे। मंजीत यादव जी आप जानते पहचानते भी हो शायद वो अच्छी तरह से, क्योंकि इनका यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज भी है। मंजीत जी राम राम। राम राम जी। ईश्वर जी सबसे पहले आपको मैं वीडियो बनाने पहुंचे, अपना कीमती टाइम दिया उसके लिए धन्यवाद। और जितने पशु प्रेमी हमारी वीडियो देख रहे हैं सब भाइयों को मेरी तरफ से राम राम। और एक मैं ये कह रहा हूँ 1 मिलियन का परिवार मेरा पूरा हुआ ईश्वर सिंह जी की तरफ भी थोड़े देख के, और कर दो खिंचाई मेरी वीडियो से 50,000 फॉलोवर आने चाहिए यहाँ पे चैनल के ऊपर, कम से कम मेरी संतुष्टि हो। और ठीक हो? बढ़िया जी। अच्छा आपने भैंसी इसकी पूरी डिटेल दी हमें, कितनी बार ब्याई है, कब है, मतलब पहले कहीं मेले में लेगी नहीं लेगी, मतलब पूरी जानकारी आपने। ईश्वर जी ये भैंस तीसरी बार बच्चा देगी, 1 महीना और 10 दिन का समय बाकी है। अच्छा, ब्याने में? ब्याने में। और दूसरे ब्यात में अपने घर पे 28 किलो 66 ग्राम लाइव में रिकॉर्ड है। अच्छा। 30 किलो दूध अपने आंखों के सामने दे रखा है, जब हम संतुष्ट है तभी हमने इसको रखा था। बिल्कुल। और ये नहीं झूठ बोलने का कि हमारे घर के तैयार की हुए नहीं, हमने पिछले साल 2.5 लाख रुपए की खरीदी थी। अच्छा। और इसके लगभग जेन्युइन जो पैसे हैं वो 16 लाख रुपए लगे थे। 16 लाख रुपए। लेकिन कोई बेचने का औचित्य नहीं, चाहे इसके कोई हमें आज की डेट में 1 करोड़ रुपए दे, जब तक वर्ल्ड रिकॉर्ड तक नहीं पहुंचेंगे ना तब तक हम हिम्मत नहीं हारने वाले। अपने सब पे खड़े हैं, मेहनत कर रहे हैं। पिछले मेले में दादरी पशु प्रदर्शनी में मेरी भैंस डॉक्टर ने ये बोल के निकाली थी कि ये एजिड भैंस है, बड़ी भैंस है, बड़ी भैंस है। उस टाइम इसने 6 दांत थी, 8वें दांत तोड़े तोड़े थे। आज वही एजिड भैंस महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर टॉप कर रही है। टॉप कर रही है, ठीक है। तो बस नजरिए का है कुछ सिफारिश का, सिफारिश लगा लो वहाँ। आज इस मेले में कोई सिफारिश नहीं चल रही, जितने नामी आदमी थे उनका मेरे को ये भी पता है किस आदमी ने किस डॉक्टर को कई गुट्ठी सोने के कड़े घी पहुंचाया है, लेकिन आज यहाँ सिफारिश फेल होगी सबकी। हाँ। और साफ सुथरे निर्णय हुए हैं और अपा यहाँ के निर्णय उनसे संतुष्ट है। अगर मेरी भैंस से कोई अच्छी भैंस यहाँ डिजर्व कर रही होती तो मैं वहाँ भी विरोध करके उस भैंस को पहले नंबर पे करता, लेकिन रिंग में गई उस टाइम एक तरफा भैंस क्लियर दिख रही थी। और अपा परमात्मा की दी हर चीज से संतुष्ट है, 1 मिलियन का अपना भाइयों का प्रेम चैनल पे हो गया, अपने पास अच्छा पशु है, लोग कोई ले रहा है 5 लाख की बता रहे हैं, 15 लाख की ना, अपने को झूठ बोलने की जरूरत। 2.5 लाख की गांव से ही खरीदी थी, 2 दांत में 22 किलो जमींदार के घर निकाला, लेकिन किसी को दिखाया नहीं। 6 दिन की ब्याई हुई, मैं आपा ने जब खरीदी उस टाइम इसमें 21 किलो 600 ग्राम दूध करके ली थी, 6 दिन की ब्याई। हाँ, अभी 10 अप्रैल को अपना ये समय पूरा करेगी डिलीवरी का। इससे पहले जिसने बच्चा किसको दिया? ये कटड़ा है। ये कटड़ा ये किसका है? ये कटड़ा गवर्नमेंट सीमन का है, लेकिन आपा जब तक इसका भी नाम क्लियर नहीं कर रहे जब तक इसका डीएनए नहीं तो ये बोल देंगे अपने को नहीं पता बेटा इसी का है, ये कन्फर्म है। अभी सीमन कोई नूर के LDF का कोई नूर बोल क्षेत्र का। हाँ जी। तो चलो हम भी ये सोचते हैं आने हर मेले में अपनी भैंस चैंपियन बने और अच्छा इसका दूध मिले, रिकॉर्ड बने और वन रिकॉर्ड बनाए, हमारी भी यही उम्मीद है। बिल्कुल, जैसा आप जैसे बड़ों का आशीर्वाद रहा था एक दिन ये दिन भी हमारे से दूर नहीं। हमें बात और है भाई। हाँ जी, ये बोल रहे ना मेरे में ये 10 करोड़ का ये 20 करोड़ का कोई जुगाड़ी नहीं करता, रिंग में भी जुगाड़ी कर रही है भैंस। बिल्कुल देखने वाली बात है। दादरी मेले में भी रिंग में जुगाड़ी कर रही थी, फर्स्ट बार आई थी, अब सेकंड बार पिकअप में चढ़ गई है, अभी आई है घर से। शाम को जीत गए हम घर ले गए थे, थोड़ा स्ट्रेस मान गई थी, रिंग में जुगाड़ी करती है, हमने तो देखी नहीं है और आपने देखी होगी, ये रिंग में भी जुगाड़ी करती है। संतुष्ट है ईश्वर जी, आज अपने सत पे खड़े हैं, कल को हम झूठ बोले तो झूठ का कहीं ना कहीं पशु में कहीं और निकल जाता है आदमी का, पता चल जाता है कहीं झूठ आ गया जाती है। आप बात कर रहा अपन 2 एकड़ के जमींदार हैं और आज अपन बढ़िया लेवल पे खड़े हैं, लेकिन वो अपना एक मित्र था उसकी कहावत याद है, बोला फलो और फूलो का इतना भूलो, तो वो सतर याद है। आज यहाँ खड़े हैं तो भी सबर है, ये पीछे खड़ी भीड़ है ना ये अपनी कमाई है। हाँ,
हाँ बहुत ही अच्छा भाई कपड़ा इनका यूट्यूब चैनल, मैंने पहले भी आपको बताया साफ सुथरा काम करते हैं, एक नंबर का काम करते हैं। तो सभी किसान भाई को राम राम, सत श्री अकाल, जय जवान, जय राम राम जी, राम राम।